नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केदारखंड की एक और नई यात्रा में। तो आज हम जा रहे हैं लाल टिब्बा। हम पहले गए थे उस दिन अच्छे से दिखा नहीं पाए, तो आज आपको अच्छे से उसका व्यू दिखाने के लिए, विंटर लाइन दिखाने के लिए हम दोबारा से जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रायपुर से। और ये पहुंच गया मसूरी, और यह है मसूरी से लाल टिब्बा तक जाने का रास्ता। बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और कभी कभी इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है। अरे दोस्तों, हम पहुंच गए हैं। ये है यहाँ पर प्रसिद्ध चार दुकानें। यहाँ से चलेंगे हम सीधा। यहाँ से अगर आप सीधा चलते हैं तो आप पूरा गोल चक्कर लगा के दोबारा यहीं पर पहुँच जाते हैं। ये देखिए, आज यहाँ पर कोई नहीं है। पहले जब हम आए थे यहाँ पर इतनी भीड़ थी, आपको उसकी क्लिप दिखाता हूँ अभी। ये क्लिप है 23 दिसंबर की, जब हम 23 दिसंबर के लिए आए थे यहाँ पर, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी इधर। अभी हम जाएंगे इस कैफे के ऊपर, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो उस दिन हम आ नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आने के लिए आपको 50 रुपये की टिकट कटवानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। लाल टिब्बा एक लोकप्रिय दृश्य स्थल है जो मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर दूर लंडोर में डिपो हिल की चोटी पर स्थित है। क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान होने के नाते लाल टिब्बा इस क्षेत्र के सबसे आश्चर्यजनक दृश्यों में से एक है। और ये यहाँ का फेमस सैंडविच। मीटर, अगर फीट में इसकी बात करें तो 7164 फीट की ऊंचाई पर स्थित लाल टिब्बा से बद्रीनाथ में नीलकंठ चोटी जिसकी ऊंचाई 6596 मीटर है, साथ ही केदारनाथ चोटी जिसकी ऊंचाई 6940 मीटर है। तीन चोटियों की बंदर पूंछ श्रृंखला तक के लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं जिनकी ऊंचाई 6316 मीटर है। यह एक लोकप्रिय सूर्योदय और सूर्यास्त का बिंदु भी है। यहाँ का सूर्यास्त बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से सूर्यास्त में विंटर लाइन दिखती है जो कि पूरे विश्व में दो जगह की बहुत प्रसिद्ध है, एक स्विट्जरलैंड, दूसरा मसूरी में लाल टिब्बा। लाल टिब्बा क्षेत्र पर लंबे समय से कब्जा रहा है जो ब्रिटिश राज के दौरान ग्रीष्मकालीन अवकाश और सेना के लिए एक पुनर्प्राप्ति स्टेशन के रूप में कार्य करता था, इसलिए एक छावनी सह हिल स्टेशन के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था। अब इस पर भारतीय सैन्य सेना सेवाओं का कब्जा है। एक छोटी छत के रूप में लाल टिब्बा से तिब्बत सीमा का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यह स्थान आरामदायक और इसमें ब्रिटिश वास्तुकला के अवशेष हैं। अभी यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य है। बादल काफी नीचे हैं और हम बादलों से काफी ऊपर है, तो हम अपनी आंखों से बादलों को चलते हुए देख रहे हैं। जापानी अधिकारियों द्वारा बनाई गई यह दूरबीन 20 फीट ऊंची चट्टान पर खड़ी है जहां से स्पष्ट दिन पर स्वर्गारोहणी और चौखंबा पर्वतमाला के दृश्य दिखाई देते हैं। स्वर्गारोहणी जो कि 6252 मीटर और चौखंबा 7138 मीटर की ऊंचाई पर है, आप नंदा देवी को भी देख सकते हैं जो देश का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। और दोस्तों, यह है विंटर लाइन। आज बादल ज्यादा है, इस वजह से इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा, मगर बहुत सुंदर है। और दोस्तों, आज यहाँ पर भीड़ भी बहुत कम थी। अभी मैं आपको पुरानी क्लिप दिखाता हूँ जब हम यहाँ 23 दिसंबर को आए थे। ये देखिए, ये 23 दिसंबर की क्लिप है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जिस कैफे के ऊपर से हमने अभी वीडियो बनाकर आपको दिखाई, वहाँ तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, पूरा फुल भरा हुआ था। तो जब भी आप लोग यहाँ पर आना चाहिए तो
तो ऑफ सीजन ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा। धन्यवाद। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हरिओम। मिलते हैं अगले वीडियो में।